हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और जहां दुनिया के सारे मर्द यानी पति अपने पत्नी के सामने अपने घुटने टेकते हैं, वहीं किम अपनी पत्नी को अपने मुट्ठी में जकड़ के रखता है। कैमरे के आगे और बीवी के बाजू में इसके 32 तीत पे कभी भी मत पिघलना, क्योंकि ये बंदा दिखता तो है रसगुल्ला टाइप का, मगर है काफी नींबू मिर्ची टाइप का। ऐसे कई राज है किम की पत्नी के बारे में जिसकी आम जनता को बनक तक नहीं है। भाभी जी, स्माइल प्लीज। ये स्माइल भी इसकी फोर्स्ड है। स्माइल क्या, उसका नाम, उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसकी शादी और यहाँ तक उसके बच्चे भी सब फोर्स्ड है। ऐसी कोई एक चीज नहीं है जो किम जोंग उन की धर्म पत्नी बिना पूछे कर सके। अपने बाल खोल के रखे या चोटी में रखे, इसकी परमिशन भी तानाशाह टीम किम से ही लेनी पड़ती है। मतलब हद है, पूरे नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल अपने हाथों में लेके बैठा है, फिर भी इस बंदे को चैन नहीं है। और खुद चैन नहीं मिला तो इसने अपने मासूम सी भोली भाली बीवी की हाथों में ही चैन बांध लिया। So, समय आ गया है हम किम जोंग उन की भोली भाली बीवी के हाथों की जंजीरें दुनिया के सामने पेश करें और दुनिया को बताए कैमरे के पीछे की सच्चाई। So, let us get started in our today's video title, Eight Strict Rules that Kim Jong-un makes his wife follow. Number one, शादी में जरूर आना। डिक्टेटर किम जोंग उन की शादी कब और कहां हुई, ये हम तो क्या नॉर्थ कोरिया की जनता भी नहीं जानती। क्योंकि एक दिन अचानक से किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू दुनिया में प्रकट हो गई और पूरी दुनिया इस सडन जस्ट मैरिड न्यूज को देखकर हिल गई। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में अभी तक आज तक किसी भी किम के डैडी या दादा ने कभी भी अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लोगों को तो आज तक किम जोंग इल और किम इल सुंग की बीवियों का नाम तक नहीं पता। और इसीलिए एक सुहाने दिन किम ने अचानक से अपनी बीवी का नाम और थोबड़ा के सामने ला लिया तो सबको 440 वोल्ट का शॉक लग गया और ये शादी री सोल जू के लिए बन गई उम्र कैद की सजा। और ये उम्र कैद इसीलिए बनी क्योंकि ये शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई। अब भाई लोग, हुआ यू कि किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल हो गया इल, क्योंकि पड़ गया उसे दोहरा ऑफ दिल और उसने रब ने बना दी जोड़ी के तरह घाई घाई में उसकी शादी री सोल जू से करा दी, जो उस वक्त नॉर्थ कोरिया के कुछ गिने चुने अमीर खानदानों में से थी। तो री सोल जू को शादी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बल्कि खुद की शादी में जरूर आना ऐसा बोल के निमंत्रण दिया गया। और किस में इतना दम कि वो ठुकराए द निमंत्रण फ्रॉम मिस्टर डिक्टेटर। और इस तरह 2009 में री सोल जू की किम जोंग उन से जबरदस्ती शादी हो गई रब ने बना दी जोड़ी स्टाइल में। और वो बात अलग है कि री सोल जू को किम जोंग उन में आज तक कभी रब नहीं दिखा। ये रिश्ता आखिर प्यार से नहीं बल्कि जंजीरों से बांधा जो गया है। नंबर टू, नामकरण। अब हेलो, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे नेम चेंजेस तो होते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और खास करके शादी के अटूट बंधन में बनते ही बीवी अपना सरनेम हटाकर अपने पति का सरनेम धारण कर लेती है। पर नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी री सोल जू का सरनेम तो क्या, उसका तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब कुछ शादी करते ही चेंज हो गया। रे बाबा, बिलीव इट और नॉट, नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स ने री सोल जू के सारे डिटेल्स शादी के पहले के हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिए। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि री सोल जू शादी के पहले कौन थी और कहां रहती थी। और जब नाम का ही पता नहीं तो कोई कैसे इसकी जन्म कुंडली खोद के निकाले। इनफैक्ट किम के आदेश पर नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स ने इसके पिक्चर्स, इसके बर्थ सर्टिफिकेट, इसकी आइडेंटिटी प्रूफ सब कुछ हमेशा के लिए दफना के रख दिया। आई वंडर व्हाई, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। आखिर नाम में क्या रखा है। नंबर थ्री, मिलना मना है। Never let you go तो भूल जाओ, क्योंकि किम तो खुद कभी भी आपको let go नहीं करेगा। Well friends, जब भी शादी होती है प्यार होता है, दो परिवार मिलते हैं। लेकिन किम के केस में शादी हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ, लेकिन दो परिवार नहीं मिले, क्योंकि तानाशाह किम के दरबार में शादी के बाद मिलना मना है। किम की मासूम पत्नी कभी भी अपने शादी के बाद अपने परिवार को देखना तो क्या कभी भी उनको मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। 2009 से लेकर आज तक 11 सालों में री सोल जू ने कभी भी अपने माता पिता की शक्ल तक नहीं देखी है। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शक्ल जरूर देखी है, वो भी बहुत ही दूर से, अखबारों में, टीवी में, मगर कभी भी वो अपनी बेटी को फेस टू फेस नहीं देख सकती। बेटी क्या, वो अपने नाथी और नातनी। लेकिन जब बात नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी की आती है तो भैया इनका मैं पेट से हूँ
बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। 2010 में शादी के लगभग एक साल के अंदर जब रीस होलजू अचानक से लाइमलाइट से गायब हो गई, तब नॉर्थ कोरिया की जनता में अचानक से हड़कंप मच गया। लोगों को लगने लगा कि शायद किम, क्योंकि एक महीने नहीं, दो महीने नहीं, बल्कि 6-7 महीनों से रीस होलजू का कोई अता पता नहीं था। लेकिन जनता के जान में जान तब आई जब प्रेगनेंसी का किस्सा बाहर आया। मतलब मैं पेट से हूँ ये बताने के लिए मैडम चार दीवारों के अंदर कैद हो गई और बाहर की जनता का बीपी बढ़ा दिया। Well, अब जब शादी किया है किम से तो भुगतना भी तो आप ही को पड़ेगा मैडम। जैसे ही पेट दिखना शुरू हुआ, मैडम पब्लिक की नजर से उड़न छू हो गई। बिकॉज किम का ऑर्डर है गर्भवती महिला सिर्फ घर पे ही शोभा देती है। नंबर 5, बार बार बच्चा। किम जोंग उन जितना पावर और पैसों का भूखा है, उससे कई गुना ज्यादा बच्चों का भी भूखा है। नहीं नहीं, ये बच्चों को खाता नहीं है बल्कि अपने बच्चों की तादाद बढ़ाते रहता है। अब आप अगर अज्ञानी हो तो आप बोलोगे, बच्चे बच्चे हमें तो नहीं मालूम था। Well, for your kind information, Kim बाप बन चुका है। In fact, वो तो कब से बाप पे बाप बनते जा रहा है। Well, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि प्रेग्नेंट होने के बाद रीस होलजू को गायब हो जाना पड़ता है। Well, यही है वो बंदा जो अपनी मासूम सी बीवी को बार बार गायब हो जाने पर मजबूर कर देता है। और ये मजबूरी सिर्फ उसके पिछड़े हुए ख्याल की सोच की वजह से है कि बच्चा हो तो लड़का हो। इसीलिए 2010 में जब रीस होलजू ने एक लड़की को जन्म दिया तो किम खुश नहीं हुआ, बल्कि रीस होलजू पर लड़का पैदा करने का प्रेशर बढ़ाता गया। उसका दूसरा बच्चा भी लड़की निकली और इस वजह से उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और ये प्रेशर की सीटी फाइनली 2017 में फूटी जब रीस होलजू ने पहली बार अपने घर के सबसे पहले चिराग को जन्म दिया। रीस होलजू ने किया लड़के को कंसीव और हो गया पूरे खानदान का टारगेट अचीव। और आज तक किम के तीनों बच्चे ना ही किसी ने देखे हैं और ना ही किसी को इनका नाम पता है तो सिर्फ इतना कि किम कीप्स हिज फैमिली इन द शैडोज। नंबर 6, दो पल की झलक। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के अलावा किसी और को कवरेज मिले वो ही बड़ी बात है। ऐसा कोई दिन नहीं यहाँ कि किम की तस्वीर और किम के गुणगान अखबारों पर और टीवी पर नहीं गाए जा रहे हो। किम तू पॉसिबल नहीं, तू जस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट किम की धर्म पत्नी को जितनी लाइमलाइट मिली है वो शायद ही आज तक किसी और को मिली होगी। रीस होलजू को कैमरे के सामने सिर्फ दो पल की झलक मिलती है। अगर आप इस दो पल की झलक को गौर से देखोगे तो ये नजर आएगा कि रीस होलजू कभी भी अपने पति से कदम मिलाकर नहीं चलती। वो हमेशा आप चलो मैं आई बोल के दो कदम पीछे रहती है। ने अपनी बीवी को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि वो जब भी साथ चले तो किम से हमेशा दो कदम पीछे रहे और अपने चेहरे पर एक स्माइल चिपका के रखे। ऐसी वाली स्माइल बोलो। और जब किम उसे अपने बाजुओं में हाथ डालने को बोलेगा, तभी वो सिर्फ बाजुओं में खड़ी होगी, वरना सवाल ही नहीं। और मीडिया वाले किम जोंग उनसे बिना पूछे कभी भी कोई भी तस्वीर या आर्टिकल छाप नहीं सकते। मारते पकड़ के ये लोग। और इसीलिए किम की बीवी की कौन सी तस्वीर पब्लिक में जानी चाहिए, इसका कंट्रोल भी मिस्टर किम के हाथों में ही होता है। मतलब रीस होलजू को तो छोड़ो, मीडिया वालों को भी कोई आजादी नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम टू चूज नथिंग। क्यों नहीं है, पूछता है भारत, वहां पर ये सब नहीं चलता। जो भी नॉर्थ कोरिया में ऐसा पूछता है वो अगले दिन उठता नहीं, उठ जाता है। नंबर 7, स्टाइल में रहने का। कंघी कैसे घुमाना है, गॉगल्स कब पहनना है, कॉलर वाला कपड़ा कब पहनना है, ये सब किम सारा ही अपनी पत्नी को बताता है। मतलब माँ कसम, इतना रेस्ट्रिक्शन तो जेल के कैदियों को भी नहीं होता है। ऐसा लगता है मैडम फर्स्ट लेडी कम और किम की कैदी ज्यादा है। इतना रोक टोक अगर किसी और की पत्नी को मिलती तो अपने पति को ही ठोक देती। पर ये किम है, कोनो आम इंसान नहीं। रीस होलजू को सजना है अपने साजन के लिए और उसे वही कपड़े, हेयर स्टाइल्स और जूते पहनने पड़ते हैं जो किम और नॉर्थ कोरिया के फैशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जो किम जोंग उनको खुश रख सके। और इसी के चलते बाय द वे आज मैडम नॉर्थ कोरिया की फैशन आइकॉन भी बन गई है। रीस होलजू के फर्स्ट अपीयरेंस से लेकर उसके अभी तक का फैशन सेंस और अपीयरेंसेस एकदम ड्रास्टिकली बदल गए हैं। नई नई दुल्हन पहले काफी वेस्टर्न आउटफिट्स में देखी जाती थी, बट
ओवर द इयर्स मैडम जी की स्टाइल काफी ट्रेडिशनल बन गई है। इनफैक्ट री सोल्जू को ब्रिटिश रॉयल फैशन आइकॉन केट मिडलटन के साथ भी बहुत कंपेयर किया जाता है, और इसमें नो डाउट सिर्फ और सिर्फ किम और उसकी कठपुतली, मेरा मतलब है मीडिया वालों का ही हाथ है। नंबर 8, कहीं भी जाना मना है। किम की धर्मपत्नी का घर के बाहर आना जाना सख्त मना है। वो घर के बाहर अकेले तो कदम रखने की सोच भी नहीं सकती है। जहाँ जहाँ किम जाएगा उसके साथ साथ ही री सोल्जू जाएगी, और किम तो उसे वहाँ वहाँ ही लेके जाता है जहाँ जहाँ जनता इस लवी डवी कपल को देख सके। मेरा मतलब है किम अपनी बीवी को अपने साथ तब ही लेके जाता है जब जनता उसके क्रूएल साइड के अलावा उसका सॉफ्ट साइड भी देख सके। बस यही रीजन है कभी कभार किम के साथ साथ उसकी बीवी की छोटी सी झलक हमें देखने मिल जाती है। यूजुअली जहाँ फर्स्ट लेडी अपने पति के साथ अपने पॉलिटिकल काम में हाथ देती है, वही किम इन कामों के लिए अपनी बीवी को घर पे बिठाकर अपनी बहन को लेके आ जाता है। और इससे तो ये साफ साफ दिखता है कि किम की बीवी को एक असल बीवी का दर्जा कभी मिला ही नहीं। न जाने कैसे वो इस बंदे को सहन कर पाती है, मतलब दुनिया की सबसे शांत और भोली भाली औरत का खिताब तो साफ साफ री सोल्जू को ही जाना चाहिए। इतनी भोली भाली औरत, I mean just look at her। लेकिन बेचारी अपना दंड काट रही है किम जोंग उन की वाइफ बनकर। So that's it friends, these are the 8 rules that Kim Jong Un makes his wife follow। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर छोकना, मेरे चैनल गेट सेट बाय फैक्ट को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस देखते रहने मिले। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग फैक्ट फिल्ड फन फिल्ड एपिसोड। अंटिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।